Lesson number 14, Louis Pasteur. I'm very hopeful कि आज आपका ये lesson ख़त्म हो जाएगा और इस video को सुनने के बाद आप पूरा lesson दोबारा से revise कीजिएगा और साथ साथ आप इसको तैयार करते चले जाइए. ठीक है, colleges जब भी लगते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन आपने जितना अब तक पढ़ लिया है, question answers, objective, जितनी भी चीज़ें आपको करवाई गई हैं वो सारी साथ साथ याद करते चले जाइए पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. उसके अलावा मैं हर वीडियो के एंड पे आपको कहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप टीचर्स के साथ कनेक्ट हैं तो आप टीचर से ज़रूर पूछें, टीचर्स को ज़रूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है. आई होप के पीछे वाले जो पैराग्राफ्स हमने किए थे वो आपको समझ में आ गए. आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स स्टार्ट करते हैं. और जहाँ से आपको लगे कि कोई भी लेक्चर में आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको ज़रूर आप मेरे साथ क्लियर कीजिएगा. ओके जी, द लास्ट पैराग्राफ जो कि हमने पिछली वीडियो में जहाँ पर हमने एंड किया था वो था द अटेन्यूएटिंग स्पाइनल कॉर्ड इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, और ये ख़त्म हो रहा था. ही हैड बिन बिटन बाय अ मैड डॉग 2 days बिफोर. ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है वो हम आज देखेंगे. नाउ ह्यूमन बींग्स डू नॉट एज अ रूल डिवेलप हाइड्रोफोबिया. रूल का मतलब है असूल. फॉर अ मंथ और सो आफ्टर बींग बिटन एंड पास्टर बींग एज यूजुअल अमूमन एक्सट्रीमली इंतहाई एंक्शियस फिक्रमंद होना, बेचैन होना, टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मिटा देना, दूर कर देना, ख़त्म कर देना सफरिंग, मुसीबत, तकलीफ, अंडर टुक जिम्मेदारी उठा ली द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय बाय इनोक्यूलेशंस विच वर कंटिन्यूड फॉर 10 days. मीनवाइल इसी दौरान द बॉय वॉज हार्डली इल एट टाइम एट ऑल एंड प्लेड अबाउट. प्लेड अबाउट का मतलब है कि आस पास. द लेबोरेटरी वेरी हैप्पीली. दो पास्टर वॉज डावर्ड, डावर्ड घुलता रहा. ठीक है, बाय फियर्स खदशात से एंड एंगजाइटी और तशवीश से, फिक्र से, परेशानी से अबाउट द रिजल्ट. आप की तहकीक के मुताबिक असूलन कुत्ते से काटे जाने के बाद 1 महीना या इसके लगभग अरसे तक इंसानों पर हलकाओं का हमला नहीं होता. ठीक है, और पैस्चर जो अमूमन तकलीफ दूर करने के लिए इंतहाई बेचैन रहता था, इसने लड़के के इलाज की जिम्मेदारी उठाई और उसे 10 दिन तक लगातार वो टीके लगाता रहा. इस दौरान लड़का बिल्कुल बीमार ना हुआ और लेबोरेटरी के आसपास खेलता कूदता रहा. अगर जा पैस्टर नतायज के बारे में इंतहाई परेशान था, इंतहाई खौफ था, उसको खौफ था कि न जाने क्या रिजल्ट निकलेगा. ठीक है, क्योंकि इससे पहले हलकाओं का जो अटैक है वो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मैड डॉग जो है वो साइंस एंड सिंबल्स शो करता है, इसी तरह से ये भी साइंस एंड सिंबल्स शो करता है इंसान जो है. ठीक है, पिछले जो पेशेंट था जिसको मैड डॉग ने कट किया था, हमने देखा कि वो उसको दौरे पड़ते हैं, मुंह में झाग आ जाती है और वो अजीबोगरीब सी हालत में है, सफोकेट हो जाता है, उसका दम घुटता है और आखिरकार एक दिन उसके मुंह में इतनी बलगम, इतना थूक जमा हो गया कि उसका दम घुट गया और वो मर गया. सो यहाँ पर इसलिए भी पेस्टर काफ़ी परेशान है कि जब किसी इंसान को कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता काट ले, तो काफ़ी बुरे नतीजे निकलते हैं. लेकिन बहरहाल अभी तक जो हालात हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं. However, the boy was absolutely cured. Absolutely, मुकम्मल तौर पर cured, इलाज हो गया. And 2 months later, a shepherd, shepherd चरवाहा गडरिया, who had been bitten, काटा गया था by a mad dog, was similarly, इसी तरह से cured. And 3 months later, 350 cases had been treated, treated, इलाज किया गया, with only one death. By 1899, more than 23,000 people had undergone, कराए जा चुके थे the treatment इलाज, and the number today must be larger still. The deaths among these were less than 2.5%, and there is no doubt that many of the rest were saved from a terrible death by Pasteur's walk. ताहम लड़के का मुकम्मल तौर पर इलाज हो गया था और 2 माह के बाद एक चरवाहा जिसे पागल कुत्ते ने काटा था का इलाज बिल्कुल इसी तरीके से किया गया और 3 माह बाद 350 मरीज़ों का इलाज भी इसी तरह से किया गया जिनमें से सिर्फ एक की मौत वाकया हुई. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी.
एंड 1899 तक 23,000 से भी ज़्यादा लोगों का इलाज कराया, और आज ऐसे लोगों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा होगी। इन लोगों में जो मरने की शरह है वो तकरीबन हाफ रहेगी, है ना, 1.5 का मतलब है आधी फ़ीसद रहेगी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी बहुत सारे लोगों को पास्टर के कारनामों के ज़रिए खौफनाक मौत से बचा लिया गया। सो पास्टर ने लोगों को नई ज़िंदगी देना शुरू कर दी। बट दो दिस वॉज लास्ट ऑफ पास्टर्स ग्रेट डिस्कवरीज, इट्स रिजल्ट्स वर बाय नो मीन्स का मतलब है किसी भी तरह से नहीं, कन्फाइंड का मतलब है महदूद होना या महदूद करना, ठीक है, टू द क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया। फॉर द फेम का मतलब है शोहरत ऑफ हिज सक्सेस, स्टर्ड अप का मतलब है उकसाना, ठीक है, मोटिवेट करना। अदर साइंटिस्ट ट्राई सिमिलर इसी तरह के नाथवर्ड्स तरीके ऑफ द क्योर फॉर अदर डिजीजेज। And in the 10 years between 1880 and 1890, they discovered the germs of consumption, diphtheria, typhoid, lawjock, cholera, and Malta fever. Okay. अगरचे ये पास्टर की अजीम दरियाफ्तों में से आखिरी दरियाफ्त थी, ताहम इसके नतायज किसी भी तरह जो है वो हल्काओं के इलाज तक महदूद नहीं थे, क्योंकि इसकी कामयाबी की शोहरत ने दूसरे साइंसदानों को भी मोटिवेट किया कि वो जो दूसरी बीमारियां हैं उनका भी इलाज ढूंढें, ठीक है, जैसे हैज़ा है, माल्टा बुखार, तपदिक, और जो आपके दांत बिल्कुल लॉक हो जाते हैं आपके जॉज, ठीक है, और इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ थी उन सब का इलाज ढूंढने के लिए इसने उनको मोटिवेट किया। In 1893, the antitoxin which cures diphtheria was discovered. Antitoxin तरियाक, ठीक है, cures इलाज करती है, discovered दरियाफ्त कर लिया गया। And also the protective हिफाजती, treatment इलाज for cholera hazard. Before the discovery of antitoxin, 30.4% diphtheria खतरनाक patients मरीज died, now 8.3 die. In 1894-95 the germs of plague town and of the what is that tasty fly disease in animals were found. In 1996-97 the protective inoculation treatments for typhoid and plague were discovered, with the result that in Great War there were extraordinary little typhoid in our army compared with the amount of the disease which had occurred in earlier campaigns, such as the Boer War. In India during 1913-93% of the British garrison were inoculated, and deaths from typhoid fell from usual 300 to 600 to only 20. 1893 में इस तरियाक को दरियाफ्त कर लिया गया जो खतरनाक का इलाज करता है, ठीक है, क्योंकि अब जो साइंसदान है वो मुख्तलिफ दवाइयों को और मुख्तलिफ क्योर्स को ढूंढ रहे हैं, और हैज़ा के लिए हिफाजती इलाज भी दरियाफ्त कर लिया गया। तरियाक की दरियाफ्त से पहले खतरनाक के 30.4% मरीज मौत का शिकार हो जाते थे और अब सिर्फ 8.3 हैं, ठीक है, और 96, 97, 18 की बात है, मैं तब मुहरका और ताउन के हिफाजती टीकों के ज़रिए इलाज दरियाफ्त कर लिए गए थे। और इसका नतीजा ये निकला कि जंग अजीम के दौरान फ़ौज में जो गैर मामूली हद तक बीमारी फैल गई थी वो बनिस्बत जो है वो बीमारी की शिद्दत के जो पहली जंगों में रूनमा हुई थी काफ़ी कम थी, ठीक है। 1930 के दौरान इंडिया में पड़ाव डाले हुए बरतानवी फ़ौज ने 93% सिपाहियों को टीके लगाए गए, और तब मुहरका से मामूल की अमवात जो है वो 600 से 300 से गिर कर तकरीबन 20 रह गई, ठीक है। तो ये अब जैसे जंगों में बड़ी बुरी हालत होती थी, वूंड्स ही नहीं कवर हो रहे होते थे कि कौन सा टीका लगाया जाए, कौन सा जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाए, क्या किया जाए, तो अब सूरत हाल बहुत फ़र्क है, अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है।
In 1898 to 1900, it was proved that malaria and yellow fever were conveyed by mosquitoes. Now, malaria each year kills millions of men and weakens millions more. It was rampant in England under the name of ague. Till comparatively recently, it was banished by draining the malarial districts. Now that we know the cause of disease, we can fight it in two ways: by destroying the breeding places of mosquito and by protecting man from the bite of mosquito. Actually, 1900 तक में ये साबित हो गया कि मलेरिया और जो पीला बुखार है, जर्द बुखार है, वो मच्छरों से मुंतकिल होता है इंसान के जिस्म के अंदर. इस वक्त मलेरिया हर साल लाखों इंसानों को हलाक कर देता था और मज़ीद बुखार और मज़ीद लाखों को कमज़ोर कर देता था. ठीक है, ये कब कभी तारी कर देने वाले बुखार के नाम से इंग्लैंड में खूब फैला हुआ था. यहाँ तक कि नस्बतन हाल ही में मलेरिया वाले अजला से पानी की मुकम्मल निकासी के ज़रिए इस पर काबू पा लिया गया. और अब जबकि हम बीमारी की वजह जानते हैं, तो हम दो तरीक़ों से मलेरिया के साथ लड़ सकते हैं. एक तो ये कि जहाँ पर मलेरिया जो है वो फैलता है, उन जगहों को तबाह कर दिया जाए, उन जगहों को साफ़ किया जाए या उनकी कोई ना कोई रोकथाम की जाए. और दूसरी जो आप कह सकते हैं क्योर है, वो ये कि इंसान को बचाया जाए कि किस तरह से मच्छर से बचा जा सकता है. जैसे आजकल जो है वो बहुत सारे ऐसे लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, जिनको कहा जाता है जी लगाएं और मच्छर आपके करीब नहीं आएगा. इसी तरह से कुछ फ्यूम्स होते हैं जो आप कॉयल्स हैं, फ्यूम्स हैं, जो आप अपने कमरे में लगा लेते हैं और उससे भी मच्छर जो है वो भाग जाता है. ठीक है, और कहा जाता है जो डेंगू का आजकल जो आपको बहुत सारे बताई जाती हैं प्रिकॉशंस के, ये आपने करना है ताकि मच्छर ना फैले. ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप मच्छर से बच सकते हैं. दस एवरी पडल कहते हैं जोहर को, गड़े को, ऑफ स्टैंडिंग वाटर. एवरी पॉन्ड शुड बी ड्रेन, पानी निकाल देना चाहिए, और ऑयल्ड या तेल डाल देना चाहिए. एंड ऑल सिस्टर्न्स पानी के ज़खीरे. एंड वेल शुड बी कैप्ट क्लोज्ड इन अ मार्शल डिस्ट्रिक्ट फॉर द मॉस्किटो लेज इट्स एग इन वाटर. Windows and doors must have wire shutters. Beds must be protected by the mosquito nets. Finally, quinine is invaluable as a preventive and cure. चुनाचे खड़े पानी के घड़े, जौहर, तालाब वगैरह जो है इनको, इनसे पानी निकाल देना चाहिए यहाँ या वहाँ पर तेल डाल देना चाहिए. और पानी के तमाम ज़खीरों और कुओं को मलेरिया वाले जो इलाके हैं, इलाकों में ढांप कर रखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मच्छर अपने अंडे पानी में देता है. खिड़कियों और दरवाज़ों पर जालीदार शटर होने चाहिए. मच्छरों को, बिस्तरों को मच्छरदानियों के ज़रिए महफूज किया जाए. और आखिर में कौनीन हिफाजती तदबीर के तौर पर और इलाज के तौर पर एक बड़ी अनमोल किस्म की मेडिसिन है, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है. It was this knowledge that enabled the Americans to construct the Panama Canal after the French had failed hopelessly with enormous loss of life and money owing to the ravages of malaria and yellow fever. In 1903-5, Bruce showed that sleeping sickness, which devastates Central Africa, was conveyed by a species of taste fly. In 1905 in Uganda, it killed 8,000 tree deaths. In 1910, the number was reduced to 1,546. यही वो आगाही थी जिसने अमेरिकन्स को पनामा नहर तामीर करने के काबिल बनाया. और जबकि इससे पहले जो फ्रांसीसी मलेरिया और जर्द बुखार की तबाहियों के सबब से भारी जानी और माली नुकसान
उठाना पड़ा और काफ़ी हद तक वो मायूस भी हुए इससे। 1903 से 05 के दौरान ब्रूस ने वाजिया किया कि ये जो मर्ज़ है जो वस्ते अफ्रीका में तबाही फैलाती है, एक ख़ास किस्म की मक्खी है, ठीक है, और इससे जो है वो मुंतकिल होती है बीमारी। 1905 में युगेंडा में ये बीमारी जो है इसने 8,803 अमवात का सबब बनी और 1910 में मरने वालों की तादाद जो है वो कम होकर 1,546 रह गई, ठीक है। ऊपर जो है वो ओके। इट इज़ इम्पॉसिबल इवन टू कैटलॉग द लिस्ट ऑफ द मेडिकल डिस्कवरीज विच हैव स्प्रंग फ्रॉम द पास्चर्स वर्क एंड स्पेशली सिंस द ग्रेट वर्ल्ड वॉर विच फोर्स्ड अस टू डील विद मैनी हिथरो लिटिल नोन डिजीजेज एंड कंडीशंस एंड सो टू ग्रेटली इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ देम। पास्चर के कारनामे से जन्म लेने वाली जो भी मेडिकल की दरियाफ्तें हैं उनकी एक फहरिस्त बनाना नामुमकिन है और ख़ास तौर पर जंग अजीम के दौरान जो भी उसने खदमात दी बीमारियों को और बुरी हालत को निमटने के लिए उससे काफ़ी हद तक जानी जो और माली जो नुकसान है वो कम हुआ। और इससे सबसे बड़ी बात ये कि मेडिकल के प्रोफेशन में नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ द वॉर टैटनेस लॉक जॉ वॉज ट्रिमांटियसली कॉमन अमंगस्ट आवर वाउंडेड because the soil of the Belgium and northern France is full of germs of the disease, hence arose the custom of giving every wounded man a dose of anti-tetanus serum, which reduced the number of cases of the tetanus to a tiny portion. मिसाल के तौर पर जंग के दौरान जो सिपाही जख्मी होते थे उनको टेटनस का बड़ा मसला होता क्योंकि बेल्जियम में और नॉर्दर्न फ्रांस में ये बहुत बड़ा मसला था कि उनकी ज़मीन या उनकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा जरासीम थे, ठीक है। इसी तरह से आजकल अगर आप देखें तो हर शख्स जो ज़मीन पे गिर जाता है और उसको ख़राश लग जाती है या चोट लग जाती है तो उसको फ़ौरन टेटनस का टीका दे दिया जाता है कि ताकि जो ज़मीन में या नीचे जो गंदगी में जर्म्स हैं वो उसको इफ़ेक्ट ना करें। As an expression of world gratitude, the Pasteur Institute was built in Paris with the subscriptions which came from all parts of the world. It was opened in 1818 and was the joy of the Pasteur's new remaining years. It had been well said that Pasteur brought the facts of disease and death from the realm of the supernatural and miraculous into the realm of natural. पूरी दुनिया की तरफ से तशक्कुर के इजहार यानी शुक्रिया करने के तौर पर पेरिस में इन एहतियात से पास्चर इंस्टीट्यूट तामीर किया गया जो दुनिया के तमाम हिस्सों से आए थे, ठीक है। वो पैसा सब लोगों ने पूरी दुनिया से लोगों ने दिया ताकि उसके नाम पर एक इदारा कायम किया जाए और उसके नाम को ज़िंदा रखा जाए। 1888 में इसका इफ्तिताह हुआ और ये पास्चर की ज़िंदगी के बाकी मांदा चंद सालों की के लिए खुशी का सामान था, ठीक है। किसी ने खूब कहा है पास्चर बीमारी और मौत की हकीकतों को देवमालाई और माकूफुल फितरत जहानों से आलम फितरत में ले आया। डिजीज एंड डेथ्स फॉर द ग्रेट मिस्ट्रीज वेयर द ऑक्यूल्ट ऑकल्ट हेल्ड अवे। केमिस्ट्रीज का मतलब होता है राज, पूरे इसरार होना किसी चीज़ का। ऑकल्ट का मतलब है माकूफुल फितरत अनासर, यानी वो अनासर जो आपको समझ में नहीं आते। अमूमन हम कहते हैं जी वो हो ये फना बंदे को जिन भूत है, अब वो जिन भूत ऐसी चीज़ हैं जो माकूफुल फितरत हैं यानी हमारी समझ से ऊपर है। हेल्ड अवे हुक्मरानी करते थे, सॉरी हेल्ड स्वे द मेलिगन मेलिग and mysterious influence of the moon caused lunacy. Lunacy का मतलब है दीवान की पागलपन। There was the evil eye, नज़रबद, and its mic morbific. Morbific का मतलब है मरीज मर्ज का सबब बनने वाली, ठीक है। Powers in fever and in
एप्पल सी द बॉडी वॉज पोसेस्ड बाय डीमंस ट्यूब्रल क्लोसस वॉज द किंग्स ईविल एंड टू बी क्योर्ड बाय द सॉवरेन सॉवरेन बादशाह टच चूना फार मोर देन ऑल अदर मेन पास्चर अबॉलिश्ड अबॉलिश्ड दफन किया गया ख़त्म हो गया फॉर एवर हमेशा के लिए दीज सुपरस्टिशंस सुपरस्टिशंस तोहम परस्तियाँ पास्चर डाइड इन 1895 एट द एज ऑफ 73 एंड वॉज बरेड दफन किया गया इन द इंस्टीट्यूट बीमारी और मौत बहुत बड़े राज हैं ठीक है और ऐसी दुनिया जहाँ पर माकूफुल फितरत अनासिर की हुक्मरानी थी कि जी चांद जो है वो भी असर करता है चांद में अगर कोई शख्स चांद की रोशनी में या चांदनी में बैठा हुआ है तो वो दीवाना हो जाएगा पागल हो जाएगा ठीक है जी इंसान को जिन भूतों ने कब्ज़ा कर रखा है और ये जो है ये हमने घर में कोई चीज़ लटकाई भी क्या जी ये आपको बुरी नज़र से बचाती है तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी ओके जी इसी तरह से अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता हो जी इस पर तो जिन हावी हो गए ठीक है और इसी तरह से अगर किसी को टीबी हो गई है तो वो भी जिन भूतों के खाते में डाल दिए जाएंगे तो ये वो तमाम तोहम परस्तियाँ थी जिनसे पास्चर ने लोगों को आज़ादी दिलवाई और बताया कि ये जो जिन भूत हैं ये कोई चीज़ नहीं है क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक एटीट्यूड यही चीज़ हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखी ठीक है और पास्चर जो है वो 1895 में 73 की उम्र में फौत हुआ और उसी इंस्टीट्यूट में इसको दफन किया गया जो उसके नाम पर खोला गया था जो उसके नाम पर बनाया गया था थैंक यू वेरी मच आपका चैप्टर जो है वो आज क्लोज हो गया वो आज ख़त्म हो गया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इट्स गुड फॉर यू ऑल ऑफ यू कि आप अपने लेसन्स को चैप्टर्स को साथ साथ याद करते चले जाएं क्योंकि सिर्फ लेसन को सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा थैंक यू वेरी मच